अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वर्ड ऑफ सेबी में खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ईद उल अज़हिया के सिलसिले में आज मैं जो स्पेशल डिश आपके सामने लेकर आई हूँ वो वाकई स्पेशल है, यानी स्पेशल शामी कबाब, और जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने इसको 15 के बजाय मैंने 18 मिनट दिए, और उसके बाद बहुत थोड़ा सा इसमें पानी था, उसको मैंने फिर चूल्हे पे ही मतलब उसको खुश किया, और अच्छी तरह से खुश करने के बाद मैं कमरे में ले गई थी, और उसको फिर मैंने पंखे की हवा के नीचे ठंडा किया है, और मैं ये चाह रही थी कि इसमें से और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो अब ये आपके सामने है, तो अब हम इसको चॉपर में डालते हैं, चॉप करते हैं।
नाज़रीन, हमारे शामी कबाब स्पेशल शामी कबाब जो हैं ईद उल अज़हा के लिए वो रेडी हैं बिल्कुल आपके सामने हैं, और ये तकरीबन 40 के करीब ये तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी मेरी ही रेसिपी के मुताबिक तैयार करें, आपको अच्छे लगेंगे। तो अब ये चूंकि रेडी हैं, अब इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे और फिर उसके बाद आपके सामने इसको फ्राई करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह। नाज़रीन, तो हमारे स्पेशल शामी कबाब जो हैं वो आपके सामने हैं, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इनकी लुक आई है। और आपको जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है अपनी रेसिपी में, मैंने एक सिर्फ अंडा डाला है और ये 1 किलो आपको पता है कीमा था और फिर अंदर दाल भी डली थी, तो हमने बाद में अंडा बिल्कुल यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं और कहीं से भी ये टूटे नहीं हैं, ये देखें, और अंदर तक ये पके हैं, ये देख सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाएं और इंजॉय करें, तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत क्रिस्पी हैं। तो सबको ईद उल अज़हा की पेश की मुबारकबाद पेश करती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो आपसे यही मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।